TV31 न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। नमस्कार, हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से सेंट्रल जोन टास्क फोर्स के ऑफिसर मिलकर एक स्पेसिफिक इनपुट के ऊपर आज सुबह अर्ली मॉर्निंग मल्टीपल रेड के तहत चार लोगों को अरेस्ट किए और इन चारों लोगों को अरेस्ट करने के बाद जो टोटल अमाउंट कैश रिकवर हुआ है वो 7,51,10,300 रुपीज का कैश है। ये क्राइम नंबर 583 ऑफ 2018 अंडर सेक्शन 171B 468, 471, 420 रेड विथ 120 BIPC ऑफ सैफाबाद पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ। इस एंटायर ऑपरेशन के तहत एक इंपॉर्टेंट चीज यह भी सामने आया कि इसमें एक 0.32 नॉन प्रोहिबिटेड बोर का रिवॉल्वर जो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर का बना हुआ है उसका भी सीजर हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं तेलंगाना स्टेट में अभी इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से वेपन लेकर बाहर घूमना उसकी इजाजत नहीं है और ये जो वेपन का रिकवरी हुआ इसमें एक फोटो स्टैट पेपर दिखाया गया है। वो फोटो स्टैट पेपर के हिसाब से ये वेपन का लाइसेंस कर्नाटका स्टेट का है। कर्नाटका स्टेट के वेपन का लाइसेंस उसका कोई वैलिडिटी तेलंगाना में ऐसे भी नहीं है और उसके बाद इलेक्शन के टाइम में नोटिफाइड एरिया में वेपन रखना वो भी एक क्राइम है। तो इसीलिए ये आर्म्स एक्ट के तहत भी केस बुक हुआ। ये पूरा इंफॉर्मेशन एक स्पेसिफिक इनपुट के बाद शुरू हुआ। लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग जब ये इंफॉर्मेशन मुझे आया तो इमीडिएटली DCP सेंट्रल जोन विश्व प्रसाद, DCP टास्क फोर्स राधा किशन, एडिशनल DCP टास्क फोर्स चैतन्य और उनके पूरे टीम सब लोग मिलकर हम लोग इसका प्लानिंग किए। प्लानिंग के हिसाब से उसमें फ्लाइंग स्क्वाड टीम, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम को भी इन्वॉल्व किया गया और उसके बाद सबसे पहला जो सीजर का मौका वारदात जो हुआ वो रोटरी सर्किल NTR मार्ग सैफाबाद में हुआ, जिसमें कि इस पूरे केस का जो अक्यूज नंबर 3 है आशीष कुमार आहूजा सन ऑफ